हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरे सभी मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियोस की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तीन बातें जो मैंने अपने कॉलेज में सीखी थी वो ये थी, आस्क फॉर हेल्प व्हेनेवर यू नीड इट। जब भी आपको मदद की ज़रूरत महसूस हो तब आप मदद मांगो। स्पीक अप व्हेन यू फील अनकम्फर्टेबल। जब भी आपको कम्फर्टेबल फील ना हो हमेशा बोलो। प्लेस योर ओन वेल बीइंग अबव ऑल अदर कंसर्न्स। सभी परेशानियों के पहले खुद की जरूरतों को रखो। इन शॉर्ट, आपका स्कूल कॉलेज आपको कुछ इस तरीके से तैयार करता है कि आपको बहुत कम पर्सनल प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े, या आपके सामने ऐसी कंडीशंस बहुत कम डाली जाती हैं जब आपको परेशानी ज़्यादा हो। अब वो पर्सनल प्रॉब्लम्स क्या होंगी ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको मैं किस तरह से डिफाइन करता हूँ। ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है, और इसी बात ने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज किया क्योंकि मेरे कॉलेज के साथ मैंने पार्ट टाइम एक कार डीलरशिप कंपनी में काम भी किया, और अगर वहां मैं इसी तरह से कंप्लेन करता तो शायद मेरे पास मेरी जॉब नहीं रहती वो जॉब जो मुझे चाहिए थी कॉलेज जाने के लिए और मेरी कुछ पर्सनल जरूरतों को पूरा करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो कार डीलरशिप कंपनी में थी वो ये कि वहां मैं क्या फील करता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं था, बल्कि मेरे कस्टमर्स क्या फील करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये मेरे और वहाँ काम करने वाले बाकी लोगों का काम था कस्टमर्स को हैप्पी रखना। मैं उस कंपनी में फ्रंट डेस्क पे काम करता था। इसका मतलब ये था कि उस कंपनी में ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती तो उससे मुझे ही डील करना होता था। मैं वहाँ पर फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन था, और कस्टमर्स के इशूज़ भी कम कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, यकीन मानिए। पेपर्स कंप्लीट नहीं है, एग्जीक्यूटिव फ़ोन नहीं उठा रहा, कार डिलीवरी डेट के पहले चाहिए, डाउन पेमेंट के लिए पूरे पैसे नहीं है पर कार अभी चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हो आई हैव टू लिसन टू देम केयरफुली, और मेंटली उनके नोट्स बनाने होते थे ताकि मैं उन्हें कंसर्न पर्सन को बता सकूं और जितना जल्दी हो सके उन इश्यूज़ को सॉल्व कर सकूं। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि कस्टमर्स के बाद भी सेटिस्फाई नहीं होता था। उसे हमेशा लगता कि उसका काम टाइम पे हो जाए चाहे वो खुद कितना ही गलत क्यों ना। कस्टमर्स को पूरा राइट है कि उनका काम टाइम पे हो, और हमें साफ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे कि आपको कस्टमर्स के इश्यूज को रिजॉल्व करना ही है और कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना है। चाहे आपको यही ना लगे कि आपका कस्टमर गलत है, आपको हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट कस्टमर को ही देना है, क्योंकि उनके फीलिंग्स आपकी फीलिंग्स से ज़्यादा मैटर करती है। कंपनीज में कोई वार्निंग नहीं दी जाती कि कब कस्टमर आप पे चिल्लाना शुरू कर देगा, या फिर कंपनी में कोई सेफ जोन नहीं होता जहां आप जाके जब आपको घबराहट हो काम करते करते तो आप वहां जाकर आराम से बैठ सकें। और गर्ल एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर उनको लड़कों का कोई ग्रुप कुछ गलत कह के चला जाए या कुछ गंदे इशारे करके चला जाए तो वहां वो अपनी प्रॉब्लम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। वहां पे कोई उनका गार्जियन नहीं होगा, कोई टीचर नहीं होगी जिसके पास जाके वो थोड़ी अपना प्रॉब्लम को शेयर कर सकें और अपनी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा सकें, क्योंकि वहाँ उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता। और इन सभी अच्छी बुरी और बहुत बुरी एक्सपीरियंसेस के बीच में मैं कब मैच्योर हो गया मुझे खुद भी पता नहीं चला। मैंने वहाँ ये सीखा कि बिना दूसरों को परेशान किए मैं खुद का ध्यान कैसे रख सकता हूँ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम से कैसे डील करूँ कि मेरे काम पर असर ना पड़े। इन शॉर्ट, I had a job to do and people counted on me to do it. अगर मैं अपने मैनेजर को कंप्लेन करता कि मैं एंग्शियस हो जाता हूँ या घबरा जाता हूँ जब फ्लोर क्राउडेड हो जाता है, या फिर कस्टमर से कंप्लेन लेना मुझे नर्वस कर देता है, तो वो मुझे शांति से मेरी सैलरी देता और कहता कि सर आप यहाँ काम करने के लायक नहीं हैं, आप यहाँ से जा सकते। फिर मेरे पास जॉब नहीं रहती और जो मेरी कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी वो थोड़ी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में बदल जाती। इसलिए आई एम थैंकफुल कि मैंने ऐसी जगह काम किया जहां मैंने सीखा कि मैं अपनी एंग्जाइटी को कैसे हैंडल कर सकता और हाउ टू वर्क विद अदर्स फॉर अ कॉमन गोल। और इससे मुझे प्रॉफिट क्या हुआ, इट स्ट्रेंथेंड वर्क एथिक एंड गेव मी अ सेंस ऑफ माय ओन रेजिलियंस। ये लेसन मुझे स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं मिल पाते। एंड एट लास्ट मैंने एक और काम की बात सीखी, अपने आप को सबके पहले रखना आपको स्पेशल फील करवाता है, बट ये आपका कभी भी कैरेक्टर डेवलप नहीं करता और ना ही आपकी पर्सनल ग्रोथ में आपकी हेल्प करता है। लेकिन अगर आप
अपने से पहले दूसरों को रखेंगे तो आपका कैरेक्टर भी डेवलप होगा और आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि जहाँ मैंने काम किया वो जगह शायद उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अगर मैंने वहाँ काम नहीं किया होता तो मैं अपने आप में वो ग्रोथ नहीं देख पाता जो मैंने वहाँ काम करने के बाद देखी। क्योंकि स्कूल कॉलेज में मुझे कभी वो बातें नहीं सिखाई जाती जो मुझे उस कार डीलरशिप कंपनी में सीखने को मिली। उस कार डीलरशिप कंपनी ने मुझे सिखाया कि मैं लाइफ के साथ कैसे डील करूँ।